हेलो, गुड म�morning दोस्तों. 20 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है. चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ. और आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में. काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और इसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, तो उन सबको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस और ब्रीफली करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हर स्टेप पे बेसिकली यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हम जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उन सबको कवर करेंगे. पहली बात तो यह है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी कौन करता है. तो यह जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा. 2006 से रिपोर्ट है, वो कंटिन्यूस पब्लिश है, वो की जा रही है. ये तो है मेन बात. इसके बाद में हम देखते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप है उसके बेसिकली चार पिलर हैं, मतलब चार क्राइटेरिया हैं, उनके आधार पर ये रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है. एक तो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और तीसरा है एजुकेशन, और चौथा है हेल्थ एंड सर्वाइवल. तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इन चार क्राइटेरिया, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन और हेल्थ, इन चार क्राइटेरियो के आधार पर, इन चार पिलर्स के आधार पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है. ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. अब हम देखते हैं इंडिया के इफेक्ट और फिर चलते हैं आगे. देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग है वो 149 कंट्रीज में से 108वें नंबर पे आई है. इंडिया का जो स्कोर है वो रहा है 0.665. इसमें बेसिकली स्कोर है वो रहता है 0 से 1 के बीच में. 0 है इसका मतलब तो ज़्यादा हालत ख़राब है, और 1 का मतलब है कि भाई बहुत ही अच्छा वहाँ पे काम है, वो बेसिकली हो रहा है जेंडर गैप, मतलब वहाँ पे बहुत ना के बराबर है ही नहीं एक तरीके से. तो इंडिया की हालत है वो थोड़ी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल पाएंगे हम. ये इंडिया का स्कोर हुआ है 0.665. अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो चारों पैरामीटर हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी और पॉलिटी, इनमें कैसे कैसे हैं, ये देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है. इससे पहले 2006 का जो डाटा था उसके हम कंपैरिजन करें तो 2006 में इंडिया की रैंकिंग थी वो थी बेसिकली यहाँ पे 98. ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. आउट ऑफ और टोटल टोटल अगर हम रेटिंग की बात करें तो 2006 में इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 115, यहाँ पे 115 कंट्रीज में, मतलब इंडिया की रैंकिंग थी 98, और अभी 149 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग आई है 108. ये तो थोड़ा मोटा मोटा फैक्ट हो गया. अब देखो हम यहाँ पे दो तीन फैक्ट देख रहे हैं. एक तो है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है जेंडर के मामले में, तो उसमें हमारा जो स्कोर आया है वो है 0.38, मतलब ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा हमारा. अगर हम बात करें ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर की तो उसमें इंडिया का स्कोर से मैंने आपको बताया 0.665, जो भी रिसेंट रिजल्ट है. इसके साथ ही एजुकेशन के मामले में इंडिया का स्कोर देखें तो वो रहा है 0.95, मतलब इसमें हमारा स्कोर है वो अच्छा रहा है. और हम बात करें हेल्थ एंड सर्वाइवल, उसमें भी हमारा स्कोर ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाएंगे बट ठीक है, 0.94. इसके साथ ही पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, उसमें भी हमारा स्कोर है वो है 0.382. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमारा स्कोर सबसे कम रहा है. ओवरऑल जो हमारा स्कोर है वो है 0.665. देखो आप यहाँ एक बार इस ग्राफ में देखिए, ये जो आपको लाइन दिख रही है बेसिकली ये लाइन तो ऐसी है कि जो स्टैंडर्ड है, मतलब इतनी तो बेसिकली होनी चाहिए. तो एजुकेशन में भी इंडिया का स्कोर ऑलमोस्ट अच्छा है. जो आपको बीच में कलरफुल ग्राफ दिख रहा है ना, ये इंडिया के स्कोर को शो कर रहा है, मतलब एजुकेशन में भी इंडिया ठीक ठाक है, हेल्थ के मामले में भी ठीक ठाक काम कर रहा है. बट हम बात करें पॉलिटिकल मामलों में तो पॉलिटिकल मामलों में इंडिया का स्कोर ठीक है, जो ओवरऑल अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक. बट इकोनॉमी के मामले में हम देखें तो इंडिया का जो स्कोर है वो एवरेज से काफ़ी कम. आप देख सकते हो इकोनॉमी का पिलर देखो यहाँ पे होना चाहिए हमारा, बट जबकि हम यहाँ तक ही पहुँचे, इसका मतलब इकोनॉमी वाले एरिया में इंडिया वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है जेंडर गैप में. तो ये हमने एक रिपोर्ट का इफेक्ट देखा. अब हम बात करते हैं और भी काफ़ी सारे रीजन्स की. देखो यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकती है कि जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी का मामला है उसमें जो एवरेज है वो तो है 0.58, मतलब इतना तो बेसिकली होना चाहिए, जबकि इंडिया का स्कोर रहा है इसमें 0.38. मतलब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बात में करें तो इंडिया की रैंकिंग एवरेज से बहुत बहुत कम है. आप देख सकते हो काफ़ी कम है. ये इफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है. एजुकेशनल की हम बात करें, देखो वैसे तो इसमें क्या है कि जो चार पिलर है उनको फिर अंदर और काफ़ी सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बट इतना ब्रीफली हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें कुल चार पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए. एजुकेशनल की हम बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही है 114वें नंबर पे, और हेल्थ एंड सर्वाइवल के मामले में 147वें नंबर पे, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया का स्कोर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज से भी इंडिया का स्कोर अच्छा गया था, इसलिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में इंडिया की रैंकिंग है 19 आई है. तो इन देखो चारों रैंकिंग को मिला के बेसिकली रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, मतलब इन चारों का एवरेज है वो लिया जाता है. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है उसमें इंडिया का स्कोर एवरेज से अच्छा है. एवरेज कितना है? 0.223. देखो एवरेज आपको रटना नहीं है, बस ये पता हो कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इंडिया का अच्छा रहा है. हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में इंडिया का स्कोर भी अच्छा है, जो स्टैंडर्ड है उनसे थोड़ा सा कम है.
इसके साथ ही एजुकेशनल की बात करें तो एजुकेशन के मामले में भी इंडिया का स्कोर है वो अच्छा रहा है जो एवरेज स्टैंडर्ड है उनके मुताबिक। और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें इंडिया का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब वुमेन को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में इतनी अपॉर्चुनिटी और इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। ये तो बेसिकली हमने यहाँ पे मोटे मोटे जो फैक्ट हैं वो देख लिए, तो ये हमें कुछ थोड़ा डाटा है वो पता होना चाहिए कि भाई इंडिया की रैंकिंग है वो क्या रही है। इसके साथ ही देखो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, दो तीन फैक्ट हैं कि इकोनॉमी के सेक्टर में इंडिया की हालत है वो 142वीं रही है 149 कंट्रीज में, और इसी के साथ इंडिया है वो बेसिकली थर्ड लोवेस्ट है इन वर्ल्ड में हेल्थ और शेड्यूल के मामले में, मतलब हेल्थ के मामले में इंडिया है वो थर्ड लोवेस्ट नंबर पे आया है। तो ये एक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकती है। इसके साथ ही इंडिया है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप है वो तैयार कर रखता है, मतलब इंडिया के पास लेबर फोर्स है वो काफ़ी अच्छी है। बट हम बात करें जेंडर गैप के मामले में तो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में वो केवल और केवल 22% है, तो इसे कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज है वो करना होगा। तो ये फैक्ट हम यहाँ पे यूज है वो कर सकते हैं कहीं भी। अब हम बात करें साउथ एशिया के मामले में, तो साउथ एशिया के अंदर हम बात करें तो बांग्लादेश का स्कोर इंडिया से अच्छा है, ये ध्यान रखना है। श्रीलंका का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया से अच्छा है, नेपाल का स्कोर इंडिया से अच्छा है, और इसके साथ मालदीव का स्कोर इंडिया से अच्छा नहीं है, और भूटान का भी अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान का भी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का स्कोर है वो इंडिया से अच्छा है। रटना नहीं है कि स्कोर है कितना, बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया है वो बेसिकली फोर्थ नंबर पर आ रहा है, बांग्लादेश का स्कोर इंडिया से अच्छा है, श्रीलंका का और नेपाल का, बस इतना फैक्ट होना चाहिए, बाकी हमारे लिए इनफ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ग्राफीन के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये आया है कि नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके द्वारा अभी क्या है कि ग्राफीन की एक रिसर्च है, एक नई स्टडी है वो की गई थी, मतलब यहाँ के जो रिसर्चर्स थे इन्होंने एक नई क्वालिटी का ग्राफीन है वो तैयार किया है। किससे? जो बैटरी होती हैं आपको पता है इन्वर्टर वगैरह में जो भी हम बैटरी यूज़ करते हैं बेसिकली लेड वाली, उनसे जो उसके ड्राई सेल होते हैं उनकी हेल्प से इन्होंने ग्राफीन का निर्माण किया है, मतलब बैटरी जो खत्म हुई होती हैं ड्राई बैटरीज होती हैं उनकी हेल्प से इन्होंने ग्राफीन का निर्माण है वो क्या है वो भी अच्छी क्वालिटी का। इसमें रिसर्च से पता चला कि जो ग्रेफाइट रोड यूज होती है आपको बैटरी में मैक्सिमली, उस ग्रेफाइट रोड से लगभग 88% तक उसको प्योरीफाई करके जो ग्राफीन है वो डेवलप किया जा सकता है। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल लेवल पे देखो आगे इम्प्लीमेंट है वो क्या जाएगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं ग्राफीन के बारे में। देखो ग्राफीन है उसमें क्या होता है, कार्बन के जो सिंगल एटम होते हैं ना इनको अरेंज किया जाता है इस तरह के सीक्वेंस में, जैसे एक सेकंड आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए, मतलब इसमें क्या है ऐसे जो कार्बन हो गए इसकी इस तरीके से सीक्वेंस होते आ जाते हैं, एक लेयर बनाई जाती है, एक नेट आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से नेट की गई है, ये बेसिकली ग्राफीन होती है। तो मतलब काफ़ी महीन पतली लेयर होती है जिसमें सिंगल सिंगल कार्बन को कनेक्ट करके इस तरीके की लेयर है वो बनाई जाती है। इसका यूज़ भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो ग्रेफाइन है जो ग्राफीन है वो ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ग्रेफाइट का देखो बेस्ट एग्जांपल हम बात करें तो हम जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली ग्रेफाइट का यूज है वो होता है। इसके साथ ही जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कंडक्टर के तौर पर भी इसका यूज है वो किया जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और बेसिकली जो वर्ल्ड में मैक्सिमम ग्राफीन बनाया जाता था वो बनाया जाता था अभी तक ग्रेफाइट से, तो अभी ये रिसर्च है वो की गई है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो हम जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ग्राफीन है वो डेवलप कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो हमारा वेस्ट होगा बैटरीज का इनकी हेल्प से भी हम ग्राफीन का निर्माण कर सकते हैं। अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं ग्राफीन के बारे में। तो देखो ग्राफीन की अगर यूजेज की बात करें तो यूज़ तो आपको पता है काफ़ी बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, जैसे इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो जो कंप्यूटर होते हैं सोलर पैनल होते हैं बैटरी होती हैं सेंसर होते हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इसका बेसिकली यूज़ होता है। अब देखो आपको यूपीएससी स्टेटमेंट में ऐसे दे सकती है कि ग्राफीन है उसका यूज़ सेटेलाइट में होता है, तो आप सोचोगे कि यार सेटेलाइट में होता होगा नहीं होता होगा, तो देखो बेसिकली यूज़ होगा क्योंकि आपको पता है कि सेटेलाइट के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पार्ट यूज़ होते हैं, तो वहाँ भी यूज़ तो हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ के यूज हैं वो तो काफ़ी बड़े एरिया पे होते हैं, तो इसलिए हम यूज़ को एक तरीके से क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को अटैम्प्ट है वो कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफीन में क्या होता है, कार्बन का ही मटेरियल होता है, बस उसमें सिंगल एटम की थिक होती है, मतलब एक एक कार्बन है उसको इस तरीके से अरेंज करके और एक लेयर है वो बनाई जाती है और वो होती है ग्रेफाइन। और इसका यूज है वो बैटरी बनाने में भी किया जा सकता है। और बेसिकली ग्रेफाइन की जो डिस्कवरी है वो की गई थी 2004 में, लिथियम आयन की बैटरीज हैं उसमें अल्टरनेटिव के तौर पे यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखो जो लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं उनमें लिथियम यूज किया जाता है, और लिथियम वो एक्चुअली इंडिया बाहर से इम्पोर्ट करता है,
तो इंडिया के लिए ग्रेफाइट है जो ग्राफीन है उसको एक तरीके से डेवलप करना काफी अच्छी बात है, और इंडिया की जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज में उसमें भी रोक लगेगी। इसी के साथ जैसे हम देखें, देखो अभी गवर्नमेंट के द्वारा फेम स्कीम लाई गई थी, तो वो स्कीम क्या थी कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको डेवलप करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बैटरी की जरूरत तो पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो इसलिए काफी अच्छा रिवोल्यूशनरी कदम इसको हम बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है CECA CEPA के बारे में। तो देखो इस आर्टिकल में बेसिकली हम तीन चार वर्ड हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के नजरिए से, ये बार बार ये वर्ड है यूज होते हैं, तो आप इनके नोट्स हैं वो बना सकते हो। इसके साथ ही आपको मैं इनकी जो पीपीटी या जो पीडीएफ है वो आपको जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है वहां पे मिल जाएगी अलग से। कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा सकूं, क्योंकि ये वर्ड इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं तो बार बार हमारे सामने आगे आते हैं और हमें इनका मतलब वो पता नहीं होता। तो देखो बेसिकली चार वर्ड हैं, एक तो है CECA, एक है CEPA और एक है FTA और एक है PTA। CECA का मतलब तो है यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और CEPA का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसी के साथ ही दो वर्ड और हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी PTA। तो इन चारों वर्ड को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर यानी PTA को लेके। तो देखो PTA को लेके जो फैक्ट है वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखो बेसिकली PTA है ना, इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ PTA साइन किया, मतलब इंडिया क्या करेगा पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रेड होता है, जैसे मान लो कि काफी सारे प्रोडक्ट का ट्रेड होता है तो उन प्रोडक्ट की एक लिस्ट बना ली जाएगी। जैसे मान लो कि एक लिस्ट नहीं, उसमें 100 प्रोडक्ट है, तो होगा क्या PTA में जो 100 प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई गई है केवल इसी के बीच में जो ट्रेड बैरियर उसको लेके जो भी टैक्स वगैरह वो कम करना है वो फोकस किया जाएगा। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ PTA साइन किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई जाएगी, उस लिस्ट में जो जो प्रोडक्ट होंगे उनके ऊपर बेसिकली जो ड्यूटी है टेरिफ है वो कम किया जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना कि PTA में डिफरेंस, PTA का मतलब क्या होता है कि जो लिस्ट बनाई गई है पॉजिटिव प्रोडक्ट्स की उन्हीं का बेसिकली जो टेरिफ है नॉन टेरिफ बैरियर उनको कम किया जाएगा। और FTA का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई थी ना जो PTA में, इसके अलावा एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाई जाएगी, इस लिस्ट में डाला जाएगा कि भाई इन इन प्रोडक्ट पे तो जो टेरिफ है वो कम नहीं होगा। मतलब हम बात क्या करेंगे एक तरीके से, पहले कोई भी कंट्री है बेसिकली PTA साइन करती है, इसके बाद में FTA की तरफ फोकस किया जाता है धीरे धीरे कि भाई PTA में तो क्या होगा, PTA में तो केवल जो कुछ प्रोडक्ट डाल दिए कि भाई इन्हीं पे आपस में हमें जो बैरियर है टेरिफ के उनको कम करना है, मतलब टैक्स वगैरह को, ड्यूटी वगैरह जो भी होगी, इम्पोर्ट ड्यूटी TC वगैरह। और हम बात करें FTA में क्या हो जाएगा, FTA में एक नेगेटिव लिस्ट भी बना दी जाती है जिस पे बेसिकली आपको बताया कि टैक्स वगैरह कम नहीं किया जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है PTA और FTA में। तो आई होप अब आपको ये अंतर है वो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि पहले PTA साइन किया जाता है, इसके बाद में FTA, क्यों, क्योंकि FTA के अंदर दायरा काफ़ी बढ़ जाता है। FTA के अंदर बेसिकली तो गुड्स ही इंक्लूड होती हैं, तो UPSC आपको स्टेटमेंट दे सकती है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके अंदर केवल गुड्स का ही ट्रेड है वो होता है। देखो ओनली गुड्स दे इसका मतलब गलत है, क्योंकि ओनली गुड्स का नहीं होता, सर्विसेज का भी बेसिकली ट्रेड है वो होता है कुछ हद तक। तो ओनली अगर आ जाता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और जो FTA है उसका दायरा बड़ा है, क्यों, क्योंकि FTA के अंदर एक पॉजिटिव लिस्ट भी होती है और एक नेगेटिव भी होती है, तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है कि हाँ भाई इन इनका ट्रेड आप वो इस पर छूट आपको नहीं रहेगी और इस पर आपको छूट रहेगी। जबकि PTA में क्या होगा, केवल और केवल आपको ये देगा कि हाँ भाई इन इनकी आप एक तरह से ट्रेड है वो कर सकते हो, इन इन पर छूट है, छूट नहीं है वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता। अब हम यहाँ पर देखते हैं CECA और CEPA। CECA और CEPA में देखो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। CECA होता है ना, यानी कि हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इसमें केवल टेरिफ रिडक्शन है वो किया जाता है, कौन सी, जो भी लिस्ट उन्होंने तैयार किया, मतलब जो लिस्ट तैयार की गई है कंट्रीज के द्वारा उस लिस्ट में जो भी बैरियर है उनको कम किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो जो प्रोडक्ट डाल देते, मान लो कि एक लिस्ट है इसमें 10 प्रोडक्ट है, तो उन पे बेसिकली जो धीरे धीरे जो धीरे धीरे कम किया जा सकता है या तो बैरियर, या फिर धीरे धीरे की वजह सडनली भी जो भी टेरिफ है रिडक्शन है वो किए जा सकते हैं। जबकि यहाँ पे बात क्या है, CEPA है उसमें क्या होता है, CEPA में बेसिकली सर्विस और इन्वेस्टमेंट को भी फोकस किया जाता है। मतलब CECA है उसके अंदर जो लिस्ट तैयार की जाती है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट होते हैं इन पे टेरिफ और जो भी फेज मैनर के अंदर उनको धीरे धीरे खत्म किया जाता है,
नेगेटिव लिस्ट है वो ऐसी कैसी बनी हुई रहती है, नेगेटिव लिस्ट पे कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि सीईपीए में क्या हो जाएगा, सीईपीए में जो सर्विसेज हैं उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, ट्रेड में इन्वेस्टमेंट को भी ऐड कर दिया जाएगा। अब आप जानते हो कि अगर सर्विस और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सर्विसेज तो किसी भी टाइप की हो सकती हैं, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि सीईपीए का दायरा बड़ा होता है। तो एक तरीके से हम बात करें तो पहले तो कोई भी कंट्रीज हैं वो साइन करती हैं नॉर्मली पीटीए, पीटीए के बाद में होता है एफटीए, और एफटीए के बाद में होता है यहाँ पे सीईसीए, और सीईसीए के बाद में होता है सीईपीए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के चार तरह के बेसिकली ट्रेड टाइप के एग्रीमेंट है वो होते हैं आपस में जो कंट्रीज है वो साइन करते हैं। तो ये फैक्ट हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री किस किस के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट वगैरह साइन है वो करती है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये बन जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में है वो आ गया होगा कि चारों तरह के जो भी ट्रेड रिलेटेड हमने बैरियर है वो डिस्कस किए हैं, क्योंकि यूपीएससी काफी बार इनके बारे में क्वेश्चन वो पूछ लेती है और इनडायरेक्टली भी इकोनॉमी में वर्ड हमारे सामने आते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सीईपीए का जो दायरा है वो काफी बड़ा था, क्यों, क्योंकि सीईपीए के अंदर सर्विस है, इन्वेस्टमेंट है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको भी इसको इंक्लूड है वो किया जाता है, जबकि सीईसीए में बेसिकली गुड्स है उन्हीं को फोकस किया जाता है और जो प्रोडक्ट लिस्ट में उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, और सीईपीए में सारे प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जो मैक्सिमम है उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये चीज हमें, ये कुछ फैक्ट है वो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि सीईसीए है वो सीईपीए की वजह बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और अब बात करें एफटीए के मामले में तो आपको अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले छोटा एग्रीमेंट कौन सा होता है, पीटीए, पीटीए के बाद में एफटीए, एफटीए के बाद में सीईसीए, और सीईसीए के बाद में सीईपीए। तो सीईपीए में ज्यादा फैसिलिटीज है आपस में, मतलब काफी अगर क्लोज बाउंडिंग है तो उस कंट्री के साथ बेसिकली सीईपीए वो साइन किया जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब आप बताइए कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है ना, हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल, भूटान, म्यांमार और मालदीप, सॉरी बांग्लादेश, आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन है वो किया है। तो ये थी देखो बेसिकली जो हमारे डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हें हम डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के बारे में। तो पहले तो हम देखते हैं कि ई विधान है क्या। देखो ई विधान है वो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का, जो कि डिजिटली इंडिया प्रोग्राम के तहत चलाया गया था। और आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है वो इसकी नोडल एजेंसी है। और इसका है क्या मोटो, इस प्रोजेक्ट का एक मोटो ये है कि हमारे देश की जो भी स्टेट और यूटीज हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं, विधान परिषद हैं, उनके अंदर जो भी काम हो रहा है उसको डिजिटल किया जा सके, मतलब पेपरलेस वर्क है इसको प्रमोट करने के लिए। देखो अभी क्या होता है कि हमारे देश में जो भी यूटी और स्टेट है वहाँ पे जो भी विधानसभा के काम होते हैं वो सारे कागजों पे होते हैं, तो उनको पेपरलेस करने के लिए ताकि कागज का यूज है वो कम हो सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, और उसकी जो क्लियरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन वगैरह हो रहा है इन चीज़ों में, उन सबको कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेगा। तो हम बेनिफिट की बात करते तो बेनिफिट तो बहुत हो जाएंगे कि अगर सारा काम डिजिटल हो जाएगा तो हम जो भी पार्लियामेंट के अंदर सेशंस वगैरह होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब देख सकते हैं, इससे के साथ ही जो भी वहाँ के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वो रहेगा ई विधान प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के द्वारा, बट जो टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, भाई सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, वेबसाइट वगैरह, वो काम जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये ध्यान रखें जो फंडिंग है वो बेसिकली दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब और इसमें स्टेट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। जो नॉर्मल स्टेट है उनमें दिया जाएगा 60% तो जो देगी यहाँ पे गवर्नमेंट, और इसके बाद में 40% वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और हम बात करें यहाँ पे जो अदर स्टेट या जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है या हिली स्टेट हैं, इसके अंदर बेसिकली 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट खुद वहन करेंगी, और यूनियन टेरेटरीज में 100% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि यूनियन टेरेटरीज आपको बताया डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है वो आती हैं। अब जो ई विधान है इसका जैसे मैंने आपको मकसद बताया कि पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली को प्रमोट करने के लिए है। ये फैक्ट ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने ई विधान प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो किया या फर्स्ट डिजिटल लेजिस्लेचर का निर्माण किया है। इसके साथ ही इसमें एक फैक्ट यह है कि जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर होते हैं स्टेट में वो बेसिकली नोडल ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे स्टेट में, ताकि उसको इम्प्लीमेंट है वो ढंग से किया जा सके। और इससे के साथ ही स्टेट हैं अगर उनको सेंट्रल से कोई भी हेल्प वगैरह लेनी है तो वो क्या करेंगे, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके जो भी इश्यूज हैं उनको एनालिसिस करके उनका सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाएगी।
तो ये थी देखो बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। आज के जो पॉइंट है सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक तरीके से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में भी सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर रखने हैं। इसी के साथ ही ग्राफिन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और यहाँ पे हम बात करें जो इकोनॉमिक एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पर्सनल ट्रेड एग्रीमेंट और इसी के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इन चारों ही तरह के एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे के सारे फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये थी आज की मेरी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।